सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन अमूसे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करनी है और आप अपने सॉन्ग को कैसे इस पर रिलीज कर सकते हैं। ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है। एज ए आप आर्टिस्ट हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए और एज ए आप फ्री भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके प्रो प्लान भी ले सकते हैं और ये अच्छी सर्विसेज दे देती है दोस्तों, फ्री में और प्रो में भी, और काफ़ी कम बजट के अंदर ये अच्छी खासी सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है। तो कंप्लीट ये वीडियो होने वाली है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सबसे हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन पूछनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपने पीसी पे और सिंपली दोस्तों यहाँ पे अमूसे जो है आपको सर्च कर देनी है गूगल पे, और सर्च करने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और इसकी एक एप्लीकेशन भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों अमूसे जो भी इंडिपेंडेंट्स रिकॉर्ड लेवल्स म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और देख सकते हैं इसकी साइट इस तरीके से है, और सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है दोस्तों अमूसे है, ये किन किन प्लेटफॉर्म पे आपके सॉन्ग को रिलीज करते हैं यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक, अमेजोन म्यूजिक, टीडल, डिजायर, नैपस्टार और बहुत सारे यहाँ पे हैं, देख सकते हैं इतने सारे प्लेटफॉर्म पे ये दोस्तों प्रोवाइड करवा देती है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं गेट अ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आप प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो एज ए फ्री आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 सप्ताह में आपकी जो सॉन्ग रहेगी रिलीज हो जाएगी, और दोस्तों यहाँ पे 1 सप्ताह में एक और 1 ईयर में दोस्तों टोटल आप 12 यहाँ पे सॉन्ग रिलीज कर सकते हैं, तो महीने के आप एक ही कर पाएंगे, ठीक है। और 100% रॉयल्टी आपको मिल जाएगी, और जो भी रहती है दोस्तों ये फास्ट फॉरवर्ड होती है, और रॉयल्टी स्प्लिट की बात करें तो 15% आपकी फ़ी लगेगी। अगर दोस्तों आप बूस्ट में लेना चाहते हैं तो $25 आपको हर साल पे करने होंगे, और आप जो आपकी सॉन्ग रहेगी 2 सप्ताह के अंदर रिलीज कर देगी, अनलिमिटेड रिलीज रहेगी दोस्तों, आप जितने चाहे सॉन्ग यहाँ पे कर सकते हैं, और रॉयल्टी स्प्लिट आपके 1 भी रुपये नहीं देने पड़ेंगे। और यूट्यूब कॉन्टेंट आईडी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से 15% की फ़ी लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसकी सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप बूस्ट में जाते तो 72 घंटे के आवर जो भी सपोर्ट मिल जाती है। अगर दोस्तों यहीं आप $60 के समथिंग पे करते हैं हर ईयर तो दोस्तों आपको यहाँ पे अनलिमिटेड सब कुछ मिल जाता है, जैसा कि देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे आपको फ़ी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप एज ए बिगनर हैं तो आपको फ्री में जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेबलिंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी टाइम लग रही है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाता है। और दोस्तों आप पहले से क्रिएट कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंपली अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। और दोस्तों आप पहली बार आए हैं और नया हैं तो भैया यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल लेनी है, सेकंड नेम डालनी है, कंट्री आपकी जो भी सिलेक्ट करनी है, अपना फ़ोन नंबर यहाँ सेलेक्ट कर देना है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा तो आपका कंट्री कोड का जो भी है यहाँ पे वो आप कंट्री कोड यहाँ पे डाल लीजिए, ईमेल डाल लीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे दोनों पे चेक मार्क करके सिंपली दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो मैंने पहले से इस पे अकाउंट क्रिएट कर चुका है इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। सो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लॉगिन हो चुका हूँ ऑलरेडी, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी रहेगी आपकी प्रोफाइल यहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों एज ए फ्री मैं आपको बात कर दूँ यार, जो भी आपको डालनी है अच्छी नाम डालनी है, और एक ही आर्टिस्ट यहाँ पे ऐड होता है फ्री में अगर आप बात कर लेते तो, और आपकी म्यूजिक की जो लिस्ट रहेगी यहाँ से दिखेगी, और दोस्तों आर्टिस्ट की यहाँ देख सकते हैं जो मैं कि मैंने ऐड करके रखा है, और आप एडिट भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप जो भी आर्टिस्ट का नाम डालें दोस्तों आपको फिर बाद में चेंजेस वेंजेस नहीं होती है फ्री में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मीडिया की जितने भी अकाउंट्स हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो कि आपकी जब म्यूजिक रिलीज हो जाएगी तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इन सब लिंक्स, और अच्छे खासे फॉलोअर भी यहाँ पे गेन कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ से अपग्रेड भी कर सकते हैं, जो कि बूस्ट प्लान है और प्रो प्लान है, तो 1400-1500 रुपये के समथिंग ये सर्विसेज मिल जाती है, और यहाँ पे 3500 पर ईयर आप पे कर दें तो इस तरीके से मिल जाती है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ अकाउंट की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए आपका सब कुछ यहाँ डिटेल निकल कर आ जाता है। सर दोस्तों बात कर लेते हैं सॉन्ग कैसे डालते हैं, तो सिंपली यहाँ देख सकते हैं रिलीज़ का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों रिलीज़ की जो टाइटल रहेगी वो आपको डाल लेनी है, लेवल कौन सी रहेगी
तो ये भैया लेवल यहाँ पे एज ए फ्री में नहीं मिल रहा है, तो लेवल जो रहेगी ये कंपनी की ही रहेगी। और यहाँ पे जनरल चूज कर सकते हो और किस लैंग्वेज की है ये टाइटल वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कवर आर्ट जो है ये डाल लेनी है। और इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं 3000x3000 और मैक्सिमम जो रहेगी 6000x6000 की पिक्सल की रहेगी। ये डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो ठीक है, हम फटाफट से यहाँ पे फिल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा अभी इमेज जो है अपलोडिंग हो रहा है। और सिंपली अपलोड हो जाने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा और ये हमारा जो भी है इमेज यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ देख सकते हैं ये अपलोड हो चुका है। तो सिंपली मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो ट्रैक रहेगी दोस्तों, जो आपका सॉन्ग रहेगा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर क्लिक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। फाइल की जो फॉर्मेट रहेगी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वेव फॉर्म में रहेगी। ठीक है, और देख सकते हैं 16 बिट और 24:1 KHz वेव फॉर्म में, वेव फॉर्मेट में रहेगी। और इसकी क्वालिटी जो रहती है अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैं अपना सॉन्ग यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट करके दिखाऊंगा आगे क्या प्रोसेस करनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा सॉन्ग जो है यहाँ पे सिंपली अपलोड हो रहा है। तब तक मैं कुछ यहाँ पे चेंजेस कर लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं ऐड डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कर देना। और दोस्तों आपको यहाँ पे डाल लेनी कि ये सॉन्ग कैसा है, तो मैंने फ्री स्टाइल पे रखा, रिलीजिंग ईयर है, यहाँ ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे सिंपली नो कर लेता हूँ, ये हमारी अपनी है। और यहाँ पे एक्सप्लीट कंटेंट क्लीन, तो यहाँ पे मैं क्लीन पे रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिनल ट्रैक जो है हमारी ओरिजिनल है। और यहाँ पे जो भी है IRSC ये ऑटोमेटिकली आएगी। और यहाँ पे आर्टिस्ट देख सकते हैं, और आपको मैं बता दूँ यहाँ पे आर्टिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पटेल वॉयस जो है प्राइमरी मैंने कर दिया और ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ पे ये हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंट्रीब्यूटर आप चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं सेव का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा सॉन्ग भी यहाँ से ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और मैंने सब कुछ यहाँ से कर दिया है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आ रही है ग्रीन टिक में, तो सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 100%, और यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं इस तरीके से आ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों म्यूजिक स्टोर यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है, तो सिंपली यहाँ पे रेट वाले पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप हर एक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं कर सकते, जैसा कि देख सकते हैं ये जो लॉक लगी है दोस्तों यहाँ पे ताले का जो सिंबल देख रहे हैं आप, तो ये जो लॉक लगी है इसमें सिंपली आप प्रो वर्जन जो प्रो प्लान आप लेते हैं तभी जा करके कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो यहाँ पे फ्री वाली है दोस्तों, तो आपको सिंपली ऐसे क्लिक कर करके भैया आपको कर लेनी है। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे सेव करके दिखा देता हूँ। ये हमारा सेव हो चुका है और यहाँ पे प्रॉपर रिलीज डेट यहाँ देख सकते हैं 1 महीने बाद निकल कर आई है, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और ओरिजिनल रिलीज डेट, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल रिलीज डेट है, इसे सिंपली नो कर देना है और यहाँ पे रिव्यू पे चले जाना है। और ये देख सकते हैं इस तरीके से आएगी, 7 स्टोर में है और टोटल जो रहेगी 249 कंट्रीज के अंदर जाएगी ये सॉन्ग। और सिंपली आई एम कम्प्लीट श्योर आई वांट टू रिलीज म्यूजिक यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको रिलीज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा सबमिट यहाँ पे हो रहा है और कुछ ही सेकेंड्स में ये जो रहते हैं सबमिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और सिंपली अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा हो चुका है और यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो बहुत जल्द जितने भी समय हैं इसके लग जाएंगे और उसके बाद फिर ये हमारा जितने भी स्टोर में मैंने सेलेक्ट करा है सभी स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप भी दोस्तों कर सकते हैं अपनी सॉन्ग को एज ए फ्री में रिलीज, और अमूसे से ये काफ़ी बढ़िया सर्विसेस दे देती है एज ए फ्री में, और देखते हैं ये सॉन्ग हमारी कब तक रिलीज हो जाती है। सो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया, वहाँ से आप मुझे सीधे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।